वैश्विक महामारी कोरोना के साथ अब अलग अलग रूप में कई बीमारियां हमारे सामने आ रही है। ब्लैक फंगस की बात हो या व्हाइट फंगस की, डराने वाली स्थिति बन रही है। लेकिन जानकारों का ये मानना है कि इसे लेकर डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्याप्त व्यवस्था की जा चुकी है, चाहे कोरोना संक्रमण की हो या कोरोना संक्रमितों में हाल के दिनों में आए ब्लैक फंगस या व्हाइट फंगस के संक्रमण के लक्षण की बात हो, इससे निपटने की तैयारी पूरी कर ली गई है। संसाधनों को इस स्थिति में ले आया गया है कि मरीजों को बचाना और आसान हो जाएगा। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इम्यूनिटी की कमी से हो रहा व्हाइट फंगस, ब्लैक और व्हाइट फंगस दोनों कोरोना के रूप, आरटीपीसीआर टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव संभव, लक्षण होने पर डॉक्टर को तत्काल दिखाएं, एंटी फंगल मेडिसिन से ठीक होना संभव। कोरोना अभी हम सबके बीच से गया नहीं है, अभी हम दूसरी लहर से जूझ रहे हैं और तीसरी लहर भी दस्तक दे चुकी है। इसी बीच ब्लैक फंगस एक नई आफत बनकर सामने आ गया। इसका इलाज अभी शुरू हुआ ही था कि व्हाइट फंगस ने देश में दस्तक दे दी है। डॉक्टर बताते हैं कि इस मामले में बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। शुरुआती लक्षण का पता चलने पर इलाज से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। व्हाइट फंगस है ह्यूमन कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन, जैसे एचआईवी टीबी या अदर सिस टाइप्स के कैंसर्स के पेशेंट जिनको बीमारी है, जिनको जिनकी इम्यूनिटी वीक हो गई है, उन पे अभी इन्फेक्शन हो रहा है। कोविड-19 के केसेस में ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डायबिटीज पेशेंट जिनको डायबिटीज है, जो इंसुलिन का यूज़ करते हैं, वैसे पेशेंटों पे इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। अभी व्हाइट फंगस का कोई भी केसेस आया नहीं है, और ऐसे हम तो आरटीपीसीआर में कोविड-19 का टेस्ट करते हैं। फंगस के लिए अलग से टेस्ट होगा और उसकी उसका एक पद्धति जो है वो अलग है। ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस दोनों ही कोरोना महामारी के ही रूप हैं। ये उस व्यक्ति को ही अपनी चपेट में लेता है जिसकी इम्यूनिटी पावर कमजोर है या व्यक्ति किसी गंभीर रोग से पीड़ित है। फंगस जैडिस होता है, कैंडियासिस हम लोग कहते हैं, तो पहले भी ये था, तो ये भी मुंह के अंदर तालवा में वो डेवलप करता है। तो इसके सबसे बढ़िया उपाय है कि आप जो गर्म पानी में नमक डालकर घर में या विटामिन से गलारा करें, कोशिश करें जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहनी चाहिए, और बहुत दिन से जो प्रोलॉन्ग स्टेरॉयड थेरेपी पर हैं तो उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हुए उसका इलाज करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ये ठीक नहीं होता है, इससे आदमी मर जाते हैं, सभी व्यक्ति नहीं मरते, ऐसा बात नहीं है। ये हम नहीं सोचना है कि नहीं हमको हो गया तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी इलाज चलेगी, संपूर्ण व्यवस्था सरकार कर रही है अपने स्तर से हर जगह, और ये बीमारी क्यूरेबल है। तो ब्लैक फंगस जो है ये एक्चुअल रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमारे इन्वॉल्व करता है, जैसे हमारे नज़ल, तो इसको एक कंडीशन है जो मोस्ट सीरियस अभी देखा जा रहा, वो राइनोसेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। व्हाइट फंगस जो है ये भी एक तरह से फंगस है, एस्परजिलोसिस आता है, बहुत सारी इसमें फंगस का ग्रुप है। ये लोग क्या करता है, ये जो हमारे ब्लैक फंगस है ये राइनोसेरिब्रल को इन्वॉल्व करता है, ये व्हाइट जो फंगस आता है ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, लंग्स को इन्वॉल्व करता है। जस्ट लाइक कोविड जैसा सिम्टम आता है, वो हाई रेजोल्यूशन सिटी में हम लोग को उसी तरह सेम उसका आता है। तो ये ज़्यादा इसलिए डेंजर है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व किया, लंग्स को बर्बाद किया, पेशेंट ऑक्सीजन के डिस्ट्रीब्यूशन में डेथ कर जाता है। व्हाइट फंगस के लक्षण अगर किसी में दिखाई पड़ते हैं तो उन्हें तत्काल चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए, और मरीज को ऐसे समय में बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डर से बीमारी और तेजी से बढ़ता है। धनबाद से न्यूज 11 भारत के लिए कुंदन की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता कुंदन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंदन, डॉक्टर्स आश्वस्त कर रहे हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन लोगों में जो डर का माहौल बना हुआ है उसे दूर होने में समय लग जाएगा। पर्याप्त संसाधन है डॉक्टरों के पास ताकि अगर कोई संक्रमित होता है तो उसके बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा सके। जी, मैं आपको बता दूं कि दूसरी लहर में कई जो संक्रमित हैं उनको ब्लैक फंगस नाम की एक बीमारी जो आँखों में जो है वो आँख डैमेज करती है। अब ब्लैक फंगस से जहां लोग जो है संक्रमित हुए हैं, अब एक नई बीमारी व्हाइट फंगस से जो है लगभग देश में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। और वैसे तो डॉक्टर कहते हैं कि जो संक्रमित होते हैं उनके फेफड़े में
रूट जो पेड़ के जैसे रूट होते हैं वो जकड़ लेते हैं, जिसके कारण सांस लेने में लोगों को तकलीफ होती है, इम्यूनिटी पावर जिनकी लो हो जाती है उनको वाइट फंगस जो है वो वैसे संक्रमण जो है जो भी संक्रमित है उनको वाइट फंगस बहुत तकलीफ पहुंचाती है। हालांकि इससे मौत जो है अभी फिलवक्त उनकी मेडिसिन आ चुकी है, डॉक्टर्स की जहां कहना है कि मेडिसिन आ चुकी है, तो इससे मौत जो है जो स्टार्टिंग में मौत हुई थी क्योंकि इम्यूनिटी पावर अगर आपके शरीर में लो रहेगा तो वाइट फंगस जो है आपके ऊपर चढ़ाव करेगी और इससे मौत होगी। तो इसलिए डॉक्टर्स का साफ कहना है कि इसमें घबराने की बात नहीं है। जिस तरह ब्लैक फंगस के अल्टरनेट में एक मेडिसिन आ चुकी है तो वाइट फंगस के लिए भी मेडिसिन है, और वाइट फंगस कोई नई बीमारी नहीं है, इससे पहले भी कई लोग जो है वाइट फंगस से संक्रमित है, और वाइट फंगस जो है इम्यूनिटी पावर को जिसकी भी लो होगी उसको जकड़ के रखेगी। तो डॉक्टर्स जो है चूँकि तीसरी लहर भी आ रही है तो इसलिए डॉक्टर्स का साफ कहना है कि वैसे लोग सावधानी बरते, गर्म पानी जो है वो यूज़ करें, नींबू पानी यूज़ करें और वैसे ही खाना खाए जो डॉक्टर्स की राय जो होता है उस पे वो इस्तेमाल करें, और डॉक्टर्स के बिना कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं खाए जिससे इन्फेक्शन हो शरीर को, क्योंकि इन्फेक्शन होने के बाद जो इम्यूनिटी पावर आपकी घटेगी और वाइट फंगस जो है आपके शरीर में आपको संक्रमित करते रहेगी। जी तो लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है, डॉक्टर जो सलाह दे रहे हैं उस सलाह को मानने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन इस तमाम जानकारी के लिए। तो कोरोना संक्रमितों में ब्लैक फंगस की शिकायत सामने आ रही है, और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि जो संक्रमित हुए हैं वो अपना विशेष ध्यान रखें, अपने इम्यूनिटी का ख्याल रखें और ऐसे जगहों से या ऐसी चीज़ों से दूरी बनाकर रखें जिससे संक्रमण का खतरा हो सकता है, तो ये फंगस उन्हें संक्रमित नहीं करेगा और वो सुरक्षित रहेंगे।